32 साल पुराने केस में बिहार पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव को लेकर एक तरफ जहां बिहार की सियासत गरमाई हुई है, वहीं दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट ने भी पप्पू यादव को बड़ा झटका दिया है। दरअसल पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद पप्पू यादव उर्फ राजेश रंजन की याचिका पर शीघ्र सुनवाई करने के अनुरोध को दोबारा खारिज कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल के खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए मेंशन किया गया था। आपको बता दें कि मधेपुरा जिला से जुड़े अपहरण के 32 साल पुराने एक मामले में मिली पप्पू यादव की जमानत को निचली अदालत ने रद्द कर दिया था और उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट भी जारी किया था, जिसके बाद इस आदेश को उन्होंने पटना हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख के वकील ने इस मामले में शीघ्र सुनवाई की फिर से प्रार्थना की थी, जिसे कोर्ट ने फिर से खारिज करते हुए कोर्ट ने कोई राहत नहीं दी। मालूम हो कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद बिहार के सुपौल जिला स्थित एक जेल में बंद हैं। वहीं पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर बिहार में सियासत जारी है और अब इसमें पप्पू यादव की पत्नी रंजीत रंजन की एंट्री हो चुकी है। रंजीत रंजन ट्वीट कर नीतीश सरकार को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा, मैं आज पटना आ रही हूँ। पप्पू यादव जी पर हुक्मरानों के जुल्म सितम के बावजूद लोगों को मदद अनवरत मिलती रहेगी। कोरोना के दौर में मानवता को बचाना प्रथम लक्ष्य, प्रेस से संवाद कर सरकार को आज बेनकाब करूंगी। इससे पहले बुधवार को भी उन्हें ट्वीट कर सरकार को चेतावनी दी थी और कहा था, नीतीश जी, पप्पू जी कोरोना नेगेटिव हैं, अगर वो पॉजिटिव हुए तो आपको इस साजिश में शामिल चार लोगों और एम्बुलेंस चोरों को सीएम आवास से निकाल बीच चौराहे पर नहीं खड़ा किया तो मेरा नाम रंजीत रंजन नहीं।